मेरठ से बड़ी जानकारी है। मेरठ में वाहन माफिया की संपत्ति कुर्क और वाहन माफिया अजरुद्दीन उर्फ अज्जू पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 50 लाख की संपत्ति कुर्क की है। ये बड़ी जानकारी यहां से मिल रही है। अज्जू नाम बताया जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई हुई है 50 लाख की संपत्ति पर। मेरठ में वाहन माफिया की संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी जानकारी, वाहन माफिया अजरुद्दीन अज्जू पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। और जानकारी यह है कि 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने, ये मेरठ से इस वक्त है। कुर्की वाली कार्रवाई यहां पर भी लगातार जारी है। जो वाहन माफिया बताया जा रहा है अजरुद्दीन, उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। मेरठ से बड़ी जानकारी, संपत्ति कुर्क की गई है अजरुद्दीन की। 50 लाख की संपत्ति बताई जा रही है जिस पर कुर्की वाली कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त मेरठ से है। माफियाओं की शामत आई है उत्तर प्रदेश में, आप कह सकते हैं। कहीं पर बुलडोजर वाली कार्रवाई तो कहीं पर संपत्ति कुर्क हो रही है। कुर्क वाली कार्रवाई भी लगातार जारी है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी सनोज जुड़ चुके हैं मेरठ से, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। सनोज, ये वाहन माफिया अजरुद्दीन के बारे में क्या जानकारी है? कहा यह जा रहा है कि 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की वाली कार्रवाई हुई है। विस्तार से जानकारी दें सनोज। हाँ, देखिए, आप देख रहे हैं कि योगी राज में कभी बुलडोजर वाली कार्रवाई चलती है और कभी कुर्की वाली कार्रवाई चलती है। और जो शाकिब उर्फ दद्दू गैंग का सक्रिय सदस्य है अजरुद्दीन उर्फ अज्जू, और आज यहाँ पर जो मेरठ पुलिस है उस पर एक बार फिर बड़ा एक्शन ले रही है। आप ये देखिए कि ये अजरुद्दीन का जो मकान है, इसको यहाँ पर जो पुलिस है वो कुर्क करने का काम कर रही है। अभी चूंकि थापरनगर इलाके में कुम्हारों वाली गली में 50 लाख रुपए का जो कीमत का मकान था उसको पुलिस ने कुर्क किया था, और उसके बाद अब जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है और इसको कुर्क करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर कि यहाँ किस तरीके से इस मकान को कुर्क करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चूंकि इस मकान के भीतर जो लोग हैं वो रह रहे थे और पहले उनको मकान खाली करने के लिए कह दिया गया है, और यहाँ मकान को खाली करने के बाद पुलिस इस मकान को सीज कर देगी, कुर्क कर देगी। ये एक बड़ा एक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं अजरुद्दीन और अज्जू पर लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी करीब 1.25 करोड़ रुपए कीमत की जो अज्जू की संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क किया था। थोड़ा सा अज्जू के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि शाकिब उर्फ दद्दू गैंग का सक्रिय सदस्य है, और शाकिब ने कई हजार जो वाहन है वो चोरी किए थे और उनको सोतीगंज में ठिकाने लगा दिया था, और उससे करोड़ों रुपए की जो काली कमाई है वो की थी। अब देखिए कि जब ये कार्रवाई चल रही है तो किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो यहां पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, जरा सत्येंद्र ये दिखाएं कि जो पटेल नगर इलाका है, पौश इलाके में गिनती होती है, यहां के आप मकान और कोठियां देख लीजिए और खुद सोचिए कि अजरुद्दीन आकर ऐसे पौश इलाके में बस जाता है। चूंकि आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से चोरी के वाहन करे, उनको वाहनों को सोतीगंज में कटवाया और कटवाने के बाद जो करोड़ों रुपए कमाए, तो उस करोड़ों रुपये को इसी तरीके से उसने इन्वेस्ट किया। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और अब उस काली कमाई की पाई पाई का जो हिसाब है वो योगी राज में पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। 50 लाख रुपए की कीमत का जो मकान है उसको कुर्क कर लिया है, और ये भी जो मकान है ये भी करीब 50 लाख रुपए कीमत का है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, सोतीगंज को बंद कराना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। चूंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो नेपाल की बात हो कई और भी राज्यों तक फैला हुआ था। मिनटों में यहाँ पर जो गाड़ी है वो अचानक से नई पुरानी गाड़ियाँ एकदम काट दी जाती थी, और इससे कई बड़े माफिया हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, और अब उन पर योगी राज में जो बड़ा एक्शन है वो देखने को मिला है। यहाँ देखिए, एएसपी ब्रह्मपुरी है विवेक चंद यादव, लगातार अपराधियों की कुंडली खंगाल रहे हैं, वाहन कटर माफियाओं की कुंडली खंगाल रहे हैं और लगातार उन पर एक्शन हो रहे हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, 1.25 करोड़ रुपए की आपने संपत्ति कुर्क की थी, आज फिर अजरुद्दीन पर एक बड़ा एक्शन है, कितना बड़ा ये माफिया था, कितने इस पर मुकदमे और फिलहाल कहाँ पर है? देखिए, ये अजरुद्दीन उर्फ अज्जू जो है, ये वाहन चोरी, वाहन कटान के जो अवैध रूप से काम चलते थे, जो इलीगल काम चलते थे सोतीगंज में, उसका एक वहीं का एक गैंगस्टर है शाकिब उर्फ दद्दू। इस गैंग का जो लीडर है वो है, और ये अब फिलहाल तो जेल में निरुद्ध है, और इसके ऊपर चार के आपराधिक मुकदमे जो हैं वो ऑलरेडी दर्ज हैं। आज जो शाकिब से कितने वाहन उसने चोरी कराए थे उसके बारे में कुछ और अपडेट? देखिए, ये पहले जो सबसे बड़ा वाहन चोरी और वाहन कटान का जो मेन कल्प्रिट था वो शाकिब उर्फ दद्दू, पर चलो ठीक है, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है सनोज, ठीक है। ये जानकारी दे रहे हैं पुलिस के जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कई मुकदमे दर्ज हैं और ये कार्रवाई हो रही है, पहले भी कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई चल रही है,
और शामत आ गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में जहां पर भी माफिया एक्टिव हैं, गैर कानूनी कामों में लगे हुए हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। शुक्रिया आपका सनोज पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।